लेकिन मैं समझता हूँ माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि सरकार ने एक विकल्प दिया है, जो आज की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बरकरार है। सरकार ने एक विकल्प के रूप में किसानों को एक विकल्प देने के लिए, उनकी आमदनी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य इसको गहराई से देखें और समझें कि कैसे इन कानून, जिस कानून का इन्होंने जिक्र किया, उससे कोई नुकसान नहीं। तिवारी जी, श्री मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी, क्या माननीय सदस्य आप महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछना चाहते? आपसे पंजाब की जनता पूछेगी कि आपको हमने चुनकर भेजा था प्रश्नकाल पूछने महत्वपूर्ण विषय पर। अच्छा, और अपनी बात रखें। माननीय सदस्यगण, हम सबने ये सहमति बनाई थी कि हम प्रश्नकाल को व्यवस्थित तरीके से चलने देंगे, क्योंकि प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्यों को अपने इलाके, क्षेत्र की और देश की समस्याओं पर प्रश्न पूछने के लिए इससे उपयुक्त समय नहीं होता। मेरी भी कोशिश रहती है कि प्रश्नकाल चले और आपके माध्यम से जो मुद्दे आप उठाते हैं उसका समाधान हो, उसकी जानकारी आपको मिले। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाकर विराजें ताकि सदन ठीक से चल सके। हरसिमरत कौर, माननीय अध्यक्ष जी, एडजर्नमेंट मोशन इसमें ले लिया जाए। नहीं, जी सर, मैं पूछना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन FCI ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट, जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट FCI उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं हैं। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है, किसी जमींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये नई नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का APMC एक्ट क्लियरली 2013 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं FCI एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहन अभी तक तो मंत्रिमंडल में ही ये सब विषयों को स्वीकार करके और एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, देश में प्रोक्योरमेंट हो, उसके लिए बहुत उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता की संकल्प है कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए। और उसी के तहत पूरे देश में आज FCI की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य है जहां पे वो कहते हैं कि नहीं, हम किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। और उसके पीछे क्या हेतु है, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है, क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं, क्या वो किसानों को पूरी मूल नहीं पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है, मोदी सरकार किसानों को पूरा दाम दिला रही है,
और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, किसानों से ही तो खरीदेंगे, जिसकी भी लैंड है लैंड रिकॉर्ड अपडेट करे, अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया, लेकिन लैंड रिकॉर्ड नहीं अपडेट करना, लैंड में कितना उपज हुआ है, आखिर जमीन का एक उपज तो पता चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 एकड़ जमीन पे कितना भी अनाज उग सके। मैं समझता हूँ मान्य सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक अच्छी ईमानदार पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में, किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा ना जाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।